हेलो पीपल वेलकम बैक टुडे माय टॉपिक विल बी अबाउट अ वेरी इम्पॉर्टेंट मील इन आर होल डे दैट इज़ ब्रेकफास्ट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि स्पेशली फॉर वर्किंग लेडीज़ जो ज़्यादा किचन में नहीं रोलअप कर पाती हैं अपने आप को वो क्या एक बहुत सिंपल सा उनका रहता है कि वो रात की के बच्चे सब्जी यूज़ करते हैं और या सुबह चपाती के साथ ले, ले लेते हैं या पराठा बना लेते हैं इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे बट मैं एक चीज़ कहूँगी उसमें हमें न्यूट्रिशन कहाँ मिला हमें कुछ भी नहीं मिला उससे राइट लेडी के पास इतना टाइम नहीं है या तो वो वर्क देख सकती है या वो अपना न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन पे वर्क कर सकती है राइट right? सो so, मैं आपको मॉर्निंग के कुछ ऐसे रिचुअल्स बताऊंगी कि आप इजीली उनको फॉलो कर सकते हो और आई डोंट थिंक कि उसमें ज़्यादा देर लगेगी बनने में और आपको कंज्यूम करने में सो so, मेरा नॉर्मली मॉर्निंग में क्या रहता है हमारा क्या रहेगा कि हमारा वेट भी मैंटेन्ड रहता है सो so, मेरा नॉर्मली मॉर्निंग में क्या रहता है मैं मॉर्निंग में उठते ही पानी पीती हूँ अब ये नहीं है कि मैं उठते ही किचन में जाती हूँ और मैं पानी पीती हूँ नहीं लोग नॉर्मली कहेंगे आपको नींबू डाल के पानी लेना चाहिए शहद डाल के नहीं अगर हमसे इतना नहीं हो पाता तो हम छोटे छोटे स्टेप्स एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं मैं अपने साइड पे ही बॉटल रात को रख के सोती हूँ और मैं हाफ से ज़्यादा बॉटल को ख़त्म कर देती हूँ तो क्या हुआ मैंने अपने बॉडी को पानी दे दिया ठीक है हो गया ड्रिंकिंग वाटर एसेंशियल है ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सेकेंडली मेरा रूटीन खाने के लिए क्या रहता है मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ जब भी सारा अपना मॉर्निंग का काम वगैरह निबेट के जब मैं किचन में जाती हूँ तो मैं एक सीड्स का सीड्स मैंने पीस के रखे हुए हैं अपने किचन में आप उसको लार्ज अमाउंट में स्टोर करके रख सकते हो एक एयरटाइट बॉक्स में अब मैं फ्लैक्सीड्स के बारे में आपको बताती हूँ फ्लैक्सीड्स क्या होते हैं दे आर फुल ऑफ ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स जो हमें नॉर्मल रूटीन में हम खाने में नहीं ले पाते ये वही लोग सिर्फ ले पाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है बट वेजिटेरियन लोग अपने इस न्यूट्रिशन को या इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को नहीं कर पाते और यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है सो कंज्यूमिंग अ वन स्पून ऑफ फ्लैक्सीड्स विद वाटर इज इक्वल टू कंज्यूमिंग अ फिश आई थिंक माई पॉइंट कि उसमें एक फिश के बराबर के गुण होते हैं जब हम उस फ्लैक सीड्स को कंज्यूम करते हैं तो मैं नॉर्मली जब भी किचन में जाती हूँ तो मैं एक चम्मच उसको पानी के साथ पी लेती हूँ खाने में बगबगा होता है बट इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा थ्री फैटी एसिड एंड प्रोटीन एंड आई थिंक वन शूड कंज्यूमिड एंड स्पेशली फॉर लेडीज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड में सामने अगर कोई फ्रूट पड़ा हो एप्पल्स पड़े हैं जामुन पड़े हैं ग्रेप्स पड़े हैं पपाया पड़े हैं जो भी इजीली कैरी है मैं उसको साथ साथ खाती रहती हूँ और मैं बाकी अपने काम करती रहती हूँ फिर आती है ब्रेकफास्ट की बारी राइट हमें दूसरों को भी ब्रेकफास्ट बना के देना होता है और ख़ुद भी ध्यान रखना है कि हमारा न्यूट्रिशन भी मेंटेन रहे और हम मतलब हर चीज़ को प्रॉपरली कर पाए तो मैं मॉर्निंग में अपने ब्रेकफा हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए फ़ाइव टू तो सिक्स ऑप्शन मैंने रखे हुए हैं सबसे पहला मेरा ऑप्शन है ओट्स मैं मार्केट से नॉर्मली जो है प्लेन ओट्स ला के रखती हूँ कोई फ्लेवर्ड ओट्स नहीं होते कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड नहीं या कह लो नमक वाले नहीं मैं कुछ भी ऐसा ला नहीं रखती मैं सिर्फ प्लेन ओट्स ला रखती हूँ मेरे हस्बैंड को मिल्क वाले ओट्स पसंद हैं वो उसको ड्राई फ्रूट्स के साथ कंज्यूम करते हैं विदाउट शुगर और मैं नमक वाले ओट्स खाती हूँ तो मैं उन्हीं ओट्स को नमक वाला बना लेती हूँ कैसे कुछ भी नहीं इट्स जस्ट टेक थ्री मिनट्स टू मेक इट पैन लिया उसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला जीरा डाला कड़ी पत्ता डाला हल्दी नमक डाल दिया डन एक मिनट भी नहीं लगा इसमें पानी डाल दिया दो मिनट उसको बॉयल होने दिया फटाफट मैंने उसमें ओट्स डाल दिया जस्ट उसको मैंने एक दो मिनट लिए स्टर किया फाइव मिनट्स भी मुझे इसको बनाने में नहीं लगे और उसको अगर मैं कर्ड के साथ खाती हूँ तो ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है मैं इसकी रेसिपी अपने नेक्स्ट टू थ्री व्लॉग्स में शेयर कर दूँगी कि मैं नमक वाले ओट्स कैसे खाती हूँ मैंने कुछ उसमें वेजिटेबल नहीं डाला कुछ नहीं डाला क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था पर मैंने एक हाई फाइबर कंटेंट लिया जो एक अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का उसमें प्रोटीन्स भी हैं और उससे आपका वेट भी मेंटेन रहेगा फुलफिलिंग रहोगे मतलब आपका फेट जो वेट जो है वो मेनटेन्ड भी रहेगा ठीक पहला ऑप्शन मेरे लिए था आप इसको मिल्क के फॉर्म में भी ले सकते हो मिल्क के साथ भी ले सकते हो जैसे मैंने नमक में इसको पानी के साथ बॉइल किया उसको आप नॉर्मली मिल्क uh, के साथ बॉईल कर सकते अब कहोगे स्प्राउट्स बनने में तो बहुत टाइम लगता है कुछ भी नहीं लगता है। जब आप किचन में कोई और काम करने जाओ की दाल भिगो दो ग्रीन वाली अगले दिन वो सारा दिन उसको ऐगे वो अपने आप हो जाएगा आपको करना क्या है कि उसको बस स्टीम करके फ्रिज में स्टोर करना है कि आप उसके कभी भी सैलड्स बना सकते हो जैसे मैंने सपोज करो कल रात को भिगोया दाल कल मैं दिया फिर मैंने जब मुझे टाइम लगा ना कभी भी वर्क के बाद तो मैंने उसको हल्की सी स्टीम दिलवा के उसको ठंडा कर उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया ये मैं आते जाते करती रहती हूँ मतलब इतना प्रोसेस मेरा चलता रहता है उसको मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया तो ये जो अब मेरे पास जो मील है स्प्राउट्स है वो मेरे नेक्स्ट फोर फाइव डेज़ के लिए बन गए अब मुझे ब्रेकफास्ट करना है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और ना मेरे पास टाइम बचा है तो मैं क्या करूँगी वो स्प्राउट्स लूँगी अनियन टोमेटो पनीर ब्लैक ब्लैक सॉल्ट और अपना पेपर और चंकी चा मसाला डालूंगी और मैं उसको कंज्यूम कर लूंगी मैं सा, मैं एटलीस्ट एक दो बजे तक तो फुलफिल्ड रहूंगी अगर मैंने एट एट थर्टी या नाइन ओ तक ब्रेकफास्ट किया है उसको मैं साथ भी ले जा सकती हूँ उसको मैं खा भी सकती हूँ और फुल ऑफ प्रोटीन हमने बी ट्वेल्व कंज्यूम किया जो हम नॉर्मली अपने रूटी हम खाने में नहीं कंज्यूम कर पाते स्प्राउट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड और, और स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है तो मैं इस तरीके का एक ब्रेकफास्ट ये ऑप्शन भी रखती हूँ अपने लिए नेक्स्ट हमारे पास आता है एक मूंग दाल का चीला स्प्राउट्स जैसे मैंने स्टीम किए मैं इसके भी चिले बना सकती हूँ इसको पीस के या फिर मैं एक येलो मूंग दाल होती है उसको भी स्टोर करके रखा लगे कुछ टाइम नहीं लगता है रात को जब हम uh, किचन वगैरह अपना क्लीन करते हैं एंड में मूंग दाल भी गोदी मॉर्निंग उठे उसको पीस लिया मिक्सी ने पीसना उसमें आपने तो कुछ नहीं करना मिक्सी ने किया फिर उसके बाद नॉन स्टिक्स तवा सबके घर में होते हैं उसको जस्ट बैटर में नमक मिर्च मसाला डाला और ऊपर पैन पे दो मिनट लगे उसको बनने में अब उसको प्लेन भी कर सकते हो या आपको कोई स्टफिंग डालनी है वो भी डाल सकते हो मैं प्लेन कंज्यूम कर लेती हूँ कभी कभी जब मुझे चाहिए होता है कोई भी मिंट चटनी घर में पड़ी होती है और बहुत ईजी है वर्किंग लेडीज़ सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं तो आई थिंक दीज आर बेटर ऑप्शंस एंड आप इनको ट्राई कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा वेट मेंटेन रहेगा हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर्स रहेंगे दैट्स इट थैंक यू